कंटिन्यूसली हमारा जो है 24th डे है और 24 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई हमें देखने के लिए नहीं आ रहा है, कोई सुन नहीं रहा है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन अब हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमें अपनी आवाज़ पहुँचानी ही पड़ेगी। अब तो हमने ये रास्ता इख्तियार किया कि वहाँ से छोड़कर आज हमें यहाँ आना पड़ा ताकि सबको पता चले कि इनकी कोई जेन्युइन डिमांड है और उसको पूरा करना ही है। अभी तक हमारे पास कोई नहीं आता है, किसी को कोई खबर ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसी चीज़ ने मजबूर कर दिया हमें आज यहाँ आने के लिए और अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे दर्ज करने के लिए। देखें सर, हम काफी दिन से बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे थे पीसफुली। अगर हम रोड पे आते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। आज हम इस सिग्नल पे बैठे हैं यहाँ पे बाहर आके, ताकि जम्मू कश्मीर की जो जितनी भी यूथ है, जनता है जम्मू कश्मीर की, वो हमारे साथ रोडों पे आ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन को उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम टीचर्स हैं। जब हमें लोग देखेंगे ना, ये टीचर्स, हमारे टीचर्स बाहर बैठे हैं, उनके बच्चों के पेरेंट्स, बच्चे देखेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा ये रोडों पे पूरा जम्मू कश्मीर का यूथ, जम्मू कश्मीर की जनता बाहर आ जाएगी, उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।